हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन, सेकंड पढ़ेंगे डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, थर्ड पढ़ेंगे एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में, फोर्थ मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, उसके स्ट्रक्चर, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक होगा हमारा फिजियोलॉजी यानी वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, और जो लास्ट पढ़ेंगे वो है फंक्शंस ऑफ द मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, पहले हम यहाँ पे एक्सक्रीशन का मतलब समझते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अब बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म। जो हमारे बॉडी में कोई चीज़ें बन रही हैं, कोई चीज़ें टूट रही हैं, कोई जो रिएक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में वही प्रोडक्ट बन रहा है जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ही बन रही हैं जो कि बॉडी के लिए क्या है, वेस्ट है, ठीक है। जो हमारा बॉडी का जो एसेंशियल प्रोसेस है उसके उस प्रोसेस के में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी हैं और कुछ अनवॉन्टेड प्रोडक्ट्स भी हैं। वही जो अनवॉन्टेड प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, उसी को हम कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस में क्या होता है, इसी वेस्ट प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, और हमारे या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी में जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जिसको मेनली वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन से कंपेयर करके देखेंगे और इंसेक्ट में कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पॉइंट के लिखा है, इट इज़ दिस सिस्टम मेनली कंसर्न विद द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, हमारे बॉडी के सॉल्ट और वाटर के रेशियो को बैलेंस करके रखना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प कर सकता है तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम सिर्फ एक्सक्रीशन में नहीं, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना है, पहला फंक्शन एक्सक्रीशन, दूसरा ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जो दोनों इन दोनों फंक्शन को साथ साथ लेकर चलता है, एक्सक्रीशन को भी और ऑस्मोरेगुलेशन को भी, उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। अभी हम आगे चल के लेक्चर में देखेंगे कि इन दोनों मतलब एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का क्या रिलेशन है, किस तरीके से ये काम करता है बॉडी में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जैसे मैंने बताया यूरिया हो गया हमारा, जिसमें हमारा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, ठीक है। थर्ड है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द सॉल्ट वाटर बैलेंस, जिसको हमने बोला है ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्गन्स इन्वॉल्व। तो ऑर्गन ह्यूमन में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, मेन हमारा है किडनीज, ठीक है, दूसरा है स्किन और थर्ड है लंग्स, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किडनीज हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है और यूरिन का सिक्रीशन करवाता है, वहाँ से हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर जाता है। स्किन एक्सक्रीशन करता है, जो स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, उससे हमारा बहुत सारा वेस्ट जो बॉडी में बन रहा है वो रिमूव हो जाता है स्वेट के साथ ही, ठीक है। थर्ड है लंग्स, वो क्या करता है, जो हम एयर को इनहेल करते हैं उसको एक्सहेल करा के, मतलब जो CO2 है बाय प्रोडक्ट है हमारा मेटाबॉलिक जो रिएक्शन हुआ है उसमें CO2 जो प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो कहने का मतलब है ये जो सिस्टम है ह्यूमन में उसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें किडनी है, स्किन है, लंग्स है। उसी तरीके से जो इंसेक्ट्स हैं उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, नेफ्रोसाइट, फैट बॉडीज। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास सात इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, जो कि इंसेक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्ट लेते हैं। इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वही ऑर्गन्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं। तो मैंने नाम यहाँ पे बताया मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, नेफ्रोसाइट्स, फैट बॉडीज, फोर्थ है ऑयनोसाइट्स, फिफ्थ है इंट्यूगमेंट, सिक्स्थ है ट्रैकियल सिस्टम और सेवन्थ है रेक्टम। हम यहाँ पे एक एक ऑर्गन को देखेंगे कि वो किस चीज़ को रिमूव करता है, यानी किस चीज़ का एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। तो इससे पहले कि जो मैंने बताया है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है कि वो क्या करता है, हमारा एक एक्सक्रीशन में तो हेल्प करते हैं साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इस लाइन को ध्यान रखना, इट हेल्प्स टू मेंटेन सॉल्ट वाटर बैलेंस, डैट इज़ होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना, जो हमारा बॉडी का जो नॉर्मल इंटरनल कंडीशन है, चाहे वो टेम्परेचर का हो, चाहे वो सॉल्ट वाटर बैलेंस हो, उन सब चीज़ को मेंटेन रखना, इसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। और ऑस्मोरेगुलेशन मतलब सॉल्ट वाटर बैलेंस बॉडी का, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक ऑर्गन्स इन्वॉल्व पे। तो सबसे पहला है मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स,
ठीक है। मैलपिजन ट्यूब्यूल्स का अगर पोजीशन देखेंगे तो ये देखो, ये रहा हमारा मिडगट, यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ से हाइंड गट स्टार्ट हो रहा है, इसी के जंक्शन पे होता है ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मैलपिजन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। एक एंड पे देखो क्या है, बंद है वो, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये ब्लाइंडली एंड होता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, मिडगट और हाइंड गट गट के जंक्शन पे, ठीक है। थिन होता है, पतला होता है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल होता है और मोस्टली कॉन्वोलेटेड मतलब मुड़ा हुआ, दिख रहा होगा यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है, तो मोस्टली क्या होता है, कॉन्वोलेटेड होता है। सॉल्ट वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसका एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा सॉल्ट अगर हो गया वो रिमूव करेगा, एक्स्ट्रा वाटर हो गया उसको रिमूव करेगा, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका एक्सक्रीशन करता है। इसका नाम मैलपिजन ट्यूब्यूल्स इसलिए पड़ा कि जो साइंटिस्ट थे एक मार्सेलो मालपिजी, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सेकेंड जो है वो है हमारा नेफ्रोसाइट सेल्स। नेफ्रोसाइट सेल्स जो है सिमिलर होता है जैसे हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स होता है, फंक्शन वाइज अगर हम देखें जिस तरीके से नेफ्रॉन फंक्शन करता है हमारे बॉडी में, उसी तरीके से नेफ्रोसाइट फंक्शन करता है, यानी इट हेल्प्स टू फिल्टर दी हीमोलिम्फ। जैसे हमारे में ब्लड है वैसे इंसेक्ट में क्या होता है, हीमोलिम्फ, उनको प्योरीफाई करता है, यानी उनको क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। थर्ड जो है वो हमारा फैट बॉडीज। फैट बॉडीज क्या है, एक इट इज़ अ काइंड ऑफ एडिपोज टिश्यू, और हम जानते हैं हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू क्या होता है, फैट स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। उसी तरीके से जो फैट बॉडीज़ है वो भी स्टोरेज का काम करता है, लेकिन वो किस चीज़ को स्टोर करता है, वो स्टोर करता है हमारे जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट, जो भी हमारा जो पार्ट जो वेस्ट बना है, जो एक्सक्रीटा बना हुआ है उसको स्टोर करता है। कम्प्लीटली एक्सक्रीटा नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो बाई प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट बना है उसको स्टोर करता है फैट बॉडीज़, ठीक है। तो फैट बॉडीज़ बॉडीज़ क्या है, इट इज़ अ लूज और कॉम्पैक्ट एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, और सेल्स में भी कौन से सेल्स, ट्रोफोसाइट सेल्स, ठीक है। और ट्रोफोसाइट सेल्स का मेन फंक्शन ही क्या होता है, स्टोरेज करना, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन दी हीमोसील कैविटी, जो हीमोसील यानी जो कैविटी है उनके बॉडी के अंदर, वहाँ पे ये सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इनका मेन फंक्शन स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन होता है। फोर्थ जो है ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो होता है ओइनोसाइट्स, ठीक है, याद रखना है ये ओइनोसाइट्स। ये भी सेल्स पाए जाते हैं हीमोसील में, ठीक है, और एपिडर्मिस या फिर फैट बॉडी, ठीक है। ये जो सेल्स पाए जाते हैं हीमोसील में या फिर एपिडर्मिस में या फिर फैट बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो मेन फंक्शन है वो लिपिड का क्या करना, प्रोसेसिंग करना या फिर साथ डिटॉक्सिफिकेशन करना। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो हमारे टॉक्सिन्स बन गए बॉडी में उसको डिटॉक्सिफाई, उनको ख़त्म करना, तोड़ना, ठीक है। यानी वो भी क्या कर रहा है, जो हमारा वेस्ट है उसको रिमूव करने में एक तरीके से हेल्प कर रहा है। फिफ्थ जो है इंटेग्यूमेंट। हम जानते हैं इंटेग्यूमेंट क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है बॉडी, जो इंसेक्ट का बॉडी होता है, तो हम जानते हैं कि इंसेक्ट अपने आउटर कवरिंग को क्या करता है, रिमूव करता है, एक्सुविया जिसको हम कहते थे अगर आपको याद हो तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक वेस्ट बॉडी से रिमूव हो रहा है, तो इंटेग्यूमेंट भी एक क्या है, ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। मतलब इंटेग्यूमेंट क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ द लिविंग टिश्यू ऑफ द इंसेक्ट। सिक्स्थ है ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम क्या करता है, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है, तो जो CO2 बन रहा है एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है CO2, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, इसलिए ट्रैकियल सिस्टम भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। और जो लास्ट है वो है रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हाइंड गट। पोस्टीरियर मतलब एंड जो पार्ट होता है ये रेक्टम है, ये स्टोर करता है हमारा एक्सक्रीटा या फिर फेसेस ऑफ द इंसेक्ट को, ठीक है। हमने इन सात ऑर्गन्स को पढ़ा है जो कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमारा मैलपिजन ट्यूब्यूल जो है वही मेजर या फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। मैंने बताया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का दो फंक्शन है, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन मतलब तो बता दिया था कि नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करना, बाहर निकाल देना, ठीक है। अब आता है दूसरा टॉपिक ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन मैंने बताया था कि जो सॉल्ट वाटर का रेशियो है उसको मेंटेन रखना। तो जब सॉल्ट वाटर का रेशियो मेंटेन रहेगा तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, हमने पढ़ा था ना पाई इज इक्वल टू सीआरटी, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन रखता है, ठीक है। सी क्या होता था, कंसेंट्रेशन होता था, अगर आपको याद हो पाई इज इक्वल टू सीआरटी, तो सी क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। अगर सॉल्ट का कंसेंट्रेशन चेंज करेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, चेंज करेगा। तो ऑस्मोरेगुलेशन अगर मेंटेन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रहेगा और जो आयन का कंसेंट्रेशन है वो भी मेंटेन रहेगा। तो इस जो पॉइंट से आपको यही समझना है कि ऑस्मोरेगुलेशन मतलब क्या हुआ, इट मेंटेन्स दी ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, आयन कंसेंट्रेशन, इन सब चीज़ को मेंटेन करना,
ठीक है। अब जो इंसेक्ट का जो फेसेस होता है यानी जो एक्सक्रीटा होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है और सॉलिड पिलेट्स फॉर्म में भी होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट जो कि टेरेस्ट्रियल हैं, मतलब जो लैंड पे रहते हैं, जो वाटर से दूर हैं, तो अपने अपने बॉडी में क्या करेंगे, वाटर को कंजर्व करेंगे, इसीलिए उनका एक्सक्रीटर जो होता है सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर एक्वेटिक इंसेक्ट्स के बारे में बात करें तो उनके बॉडी में से जो रिमूव होता है नाइट्रोजन वेस्ट वो होता है अमोनिया, मोस्टली अमोनिया और समटाइम्स यूरिया। तो इंसेक्ट का जो फेसेस होता है क्या उसमें सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट होता है? नहीं, इंसेक्ट फेसेस मतलब अनडाइजेस्टेड फूड प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जो इंसेक्ट अमोनिया और यूरिया को रिमूव करते हैं, जैसे जो इंसेक्ट अमोनिया को रिमूव आउट करते हैं एक्सक्रीशन में, उनको अमोनोटेलिक बोलते हैं, ठीक है। जो यूरिया करते हैं उसको यूरिकोटेलिक कहते हैं, और जो यूरिक एसिड को करते हैं उनको यूरियोटेलिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला है कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। जो अमोनिया होता है ना मोस्ट टॉक्सिक होता है, और जो यूरिक एसिड होता है लीस्ट टॉक्सिक होता है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक उनको ज़्यादा वाटर चाहिए, क्योंकि अगर वो अमोनिया को अगर जनरली लैंड पे या फिर कहीं पे कर देंगे तो अमोनिया इतना ज़्यादा टॉक्सिक है कि दूसरे जो इंसेक्ट हैं या फिर एनिमल्स हैं उनको हार्म करेगा। इसीलिए उसको वाटर में इतना ज़्यादा उसका कंसेंट्रेशन अमोनिया का पानी में डाल के लो कर दिया जाता है कि वो हार्मफुल इफेक्ट उसका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि टॉक्सिसिटी का जो लेवल है वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, मतलब अमोनिया सबसे ज़्यादा, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। उसी तरीके से अगर हम बात करें वाटर रिक्वायरमेंट किस में ज़्यादा होगा, अमोनिया में सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट, फिर यूरिया में, फिर यूरिक एसिड में। क्यों? अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसको सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि चाहे वो किसी तरीके का इंसेक्ट हो, चाहे वो एक्वेटिक हो या फिर टेरेस्ट्रियल हो, ये दोनों तरीके के इंसेक्ट जो होते हैं आयंस को कंजर्व करने में लगे होते हैं, ठीक है। मतलब वो ठीक है कि वो अपने जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान रखते हैं कि वो मिनिमम आयन का लॉस कराएं। कौन कौन से आयंस? सोडियम आयंस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस, ठीक है। क्योंकि ये एसेंशियल आयंस हैं और ये प्रेजेंट होते हैं खाने में भी, उनके उनके फूड में भी बहुत कम, ठीक है। तो खाने से कम मिल रहा है उनको और ये इजीली लॉस हो जाते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इसको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी इंसेक्ट हो, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, इन आयंस को वो कंजर्व करना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो एक्सक्रीटा प्रोडक्शन है इंसेक्ट में वो रेगुलेट होता है बोथ एक्सक्रीशन से और ऑस्मोरेगुलेशन से, ठीक है। और यही दोनों प्रोसेस मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाता है। यानी आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ जाओ कि एक्सक्रीशन जो है वो उसमें हम क्या निकाल रहे हैं, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, और ऑस्मोरेगुलेशन में क्या कर रहे हैं, हमारा जो आयन का कंसेंट्रेशन है उसको रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन में हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, साथ साथ ऐसा नहीं कि वेस्ट प्रोडक्ट में कम्प्लीटली कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट नहीं निकलता है, वहाँ पे आयंस भी निकलते हैं। तो आयंस पहले रेगुलेट होता है ऑस्मोरेगुलेशन से, और जो बच जाता है वो एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू बाहर आता है। तो ये दोनों प्रोसेस मिलके ही हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाता है। आई होप ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी सबको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर अच्छा कंसेप्ट है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा मैल्पिजन ट्यूब्यूल्स। उससे पहले एक और पॉइंट है, आप सुन लो, जो मेन फंक्शन है एक्सक्रीशन का वो मेनली कौन परफॉर्म कर रहा है, मैल्पिजन ट्यूब्यूल्स, और साथ साथ जो हमारा हाइंड गट पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है। हाइंड गट जो जो पोस्टीरियर पार्ट है ना गट का, हाइंड गट वो मेनली जो पार्ट लेता है एक्सक्रीशन में, क्योंकि हाइंड गट में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड सेल्स, ठीक है। क्लोराइड सेल का फंक्शन क्या है, ये इनऑर्गेनिक आयंस को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन से। जब एब्जॉर्व कर लेंगे तो उन आयन का क्या होगा, लॉस कम होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मैल्पिजन ट्यूब्यूल्स। मैल्पिजन ट्यूब्यूल्स क्या है, इट इज़ द मेन ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन विच वर्क्स टुगेदर विद द रेक्टम एंड ईलियम। कहने का मतलब क्या है, मैल्पिजन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का मेन फंक्शन करता है, किसके साथ मिलकर, रेक्टम और ईलियम। रेक्टम और ईलियम किसका पार्ट है, हाइंड गट का पार्ट है, जो कि मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। अब मैल्पिजन ट्यूब्यूल को अगर हम देखते हैं तो वो क्या लगता है, आउटग्रोथ है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि लॉन्ग है, थिन है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, मैल्पिजन ट्यूब्यूल सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, ठीक है, और ब्लाइंड एंडेड होता है, मतलब एक एंड पे बंद होता है, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से। सिंगल लेयर ऑफ सेल होने से ये फायदा है कि वहाँ पे जो आयन का एक्सचेंज होता है वो बहुत ईजिली हो जाता है।
ठीक है, जो मैलपिजियन ट्यूब्यूल से इंपॉर्टेंट याद रखना है, एफिड्स में नहीं होगा और स्प्रिंग टेल जो इंसेक्ट है उसमें भी मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं होता है, तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जो मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स का जो नंबर है वो डिपेंड करेगा कि वो इंसेक्ट कौन सा है। ठीक है, हम स्केल इंसेक्ट में देखेंगे तो मैलपिजियन ट्यूब्यूल का नंबर 2 होता है, बग्स में 4 होता है, मॉस्क्यूटोज में 5 होता है, मॉथ में बटरफ्लाइज में 6 होता है, कॉकरोच में 60 होता है और लोकस्ट में 200 तक होता है। ठीक है, बेसिकली मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर इतना कॉन्वोलेटेड थिन और बहुत सारा इसलिए होता है कि वो सरफेस एरिया बढ़ाए, और सरफेस एरिया जब ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैलपिजियन ट्यूब्यूल का बेसिक्स। अब जो है मैलपिजियन ट्यूब्यूल के हम थोड़े से स्ट्रक्चर वाइज भी मैं अभी ड्रॉ करूंगा, आप इसको साथ साथ देखते जाना। जो एक एंड होता है मैलपिजियन ट्यूब्यूल का वो क्या होता है, हीमोलिप में डीप होता है। ठीक है, एक एंड तो अटैच है हमारा किससे, हाइंडगट से, और दूसरा जो है वो जो होता है वो हीमोलिप में डूबा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक पार्ट डूबा नहीं रहेगा तो फिर वो आयन एक्सचेंज कहाँ से करेगा, कहाँ से वेस्ट को रिमूव करेगा, तो इसलिए एक डीप होता है हीमोलिप में जहाँ से वो आयन्स को एक्सचेंज कराता रहता है, यानी वेस्ट को अपने ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में भेजता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैलपिजियन ट्यूब्यूल के आउटर स्ट्रक्चर में। इच एंड एवरी मैलपिजियन ट्यूब्यूल जो होता है आउटर बाहर से पेरिटोनियल कवरिंग से कवर होता है, यानी पेरिटोनियम लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि हर मैलपिजियन ट्यूब्यूल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इनमें मसल्स भी होते हैं क्योंकि मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, स्लाइड जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ताकि जो उसमें लिक्विड है वो फ्लो हो पाए एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि प्रेशर जनरेट होना है वहाँ पे, तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए वहाँ पे मसल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आप इस चीज़ को समझना। ये देखो, जैसे मैलपिजियन ट्यूब्यूल का ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हाइंड गट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला गट, गट वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है जो ब्लाइंडली एंड होता है वो होता है हमारा डिस्टल पार्ट। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्टिव। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एब्जॉर्प्टिव क्या होता है, और जो डिस्टल पार्ट होता है वो होता है सिक्रेटरी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो डीएस से, एक याद कर लो दूसरा ऐसे याद हो जाएगा। डिस्टल पार्ट जो होता है वो होता है सिक्रेटरी पार्ट। ठीक है, ये चीज़ें मे बी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसमें बात करेंगे, अब इसको मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आप इस चीज़ को समझने की कोशिश। यस, आप यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा हमारा मैलपिजियन ट्यूब्यूल, ये वाला जो ट्यूब है ये हमारा मैलपिजियन ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये हमारे गट वाले रीजन से क्या है, अटैच्ड है। तो ये वाला मैंने जो पार्ट बताया था वो क्या था, प्रॉक्सिमल पार्ट, जो कि एब्जॉर्प्टिव है। एब्जॉर्प्टिव मतलब वो एब्जॉर्व करता है। ठीक है, ये आयन्स जो भी होंगे, जो मैंने बताया था ना, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, इनको एब्जॉर्व करता है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये होता है डिस्टल एंड, जो कि सिक्रीशन करता है डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह, या फिर जिन जो मेन सिक्रेटरी सेल्स होते हैं वो इस पार्ट में, डिस्टल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम एक बार इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि इनका पोजीशन कहाँ है। ये हमारा कॉकरोच है, उसका दिखाया गया है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम और गट वगैरह दिखाया गया है। तो ये रहा हमारा हेपेटिक सिका कहते हैं इसको, फोर गट मिड गट के जंक्शन पे, और ये जो है यहाँ पे पतले पतले ये दिखाए हुए मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स जो कि मिडगट और हाइंडगट के बाउंड्री पे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी, यानी वर्किंग ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसको मैंने स्टेप्स में लिखा है, आपको स्क्रीन पे 3 स्टेप दिख रहे हैं और अगले स्लाइड पे 2 स्टेप हैं, यानी 5 स्टेप में इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है। पहला स्टेप फिजियोलॉजी यानी वर्किंग कैसे होता है, कि मैलपिजियन ट्यूब्यूल जो है सबसे पहले प्राइमरी यूरिन का सिक्रीशन करता है। प्राइमरी यूरिन क्या है, ऐसा यूरिन जो कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हीमोलिम्फ के बराबर होता है। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन अगर हम बात करें आयन्स का सिमिलर होता है हीमोलिम्फ की तरह, लेकिन जो आयनोनिकली अगर हम बोलेंगे मतलब आयन का कंसंट्रेशन मतलब जो है वो डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे क्या है इस चीज़ को समझना, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। ठीक है, यानी आयन का नंबर सेम है, ये नहीं बोला गया है कि आयन जो है वो दोनों, मतलब जो आयन्स इधर है वही आयन्स उधर हैं, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर वाइज सेम है लेकिन आयनोनिकली डिससिमिलर है। मतलब कंसेंट्रेशन एक तरफ हो सकता है पोटेशियम आयन ज़्यादा हो, एक तरफ सोडियम आयन ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि हम दोनों पे चार्ज तो देख रहे हैं, +1 +1 है, तो चार्ज जो होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा चार्ज की वजह से और कंसेंट्रेशन की वजह से सेम होगा, लेकिन दोनों जो आयन्स हैं वो डिफरेंट हैं, ये समझ लेना। तो इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी यूरिन। ठीक है, इनमें पोटेशियम आयन हाई होता है और सोडियम आयन क्या होता है, कम होता है। तो उसी तरीके से क्या होगा, हम हीमोलिम में देखेंगे, अगर उनको ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर करना है तो वहाँ पे सोडियम आयन ज़्यादा होगा, पोटेशियम कम होगा। ठीक है, ये क्लियर।
और इसमें क्लोरीन आयन भी होता है जो कि मेन अनायन होता है. अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज्ड जो आयन होता है वो प्रेजेंट होता है प्राइमरी यूरिन में. तो सबसे पहले क्या हुआ, मेलपिजन ट्यूब्यूल ने प्राइमरी यूरिन का प्रोडक्शन किया. अब क्या होगा, पोटेशियम आयन जो है सेकेंड स्टेप में, पोटेशियम आयन जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ट्यूब्यूल्स के अंदर. ठीक है, अब इससे क्या होगा कि पोटेशियम आयन जैसे अंदर आएगा तो उसका पोटेशियम आयन का ग्रेडियंट बन जाएगा. मतलब अंदर पोटेशियम, मतलब हम मैं ट्यूब, आप इसको समझना ट्यूब्यूल के अंदर और ट्यूब्यूल के बाहर से इस चीज़ को. ठीक है, ये देखो ये रहा ट्यूब्यूल, तो ये ट्यूब्यूल का ल्यूमेन हो गया. मतलब मैं ये इसको बोलूँगा अंदर और इसको बोलूँगा बाहर. ठीक है, तो यहाँ पर पोटेशियम ज़्यादा है, अब यहाँ पर पोटेशियम क्या है कम है, यहाँ पोटेशियम कम और यहाँ पर पोटेशियम ज़्यादा. तो जिसके वजह से अब क्या हुआ कि यहाँ अंदर पोटेशियम ज़्यादा है और बाहर में कम है, तो एक ग्रेडियंट बना. तो अब देखो आप जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे पानी पहले जाएगा. मतलब कम जगह से पानी, मतलब मैं पानी देना चाहूँ तो पानी पहले अंदर की तरफ जाएगा. रीज़न ये है कि हम जानते हैं जो ज़्यादा पैसा उसको ज़्यादा पानी चाहिए और जल्दी उसके पास जाएगा. ठीक है, आप इसको सोच के देखना कि जहाँ पे पानी का रिक्वायरमेंट कहाँ ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा पैसा होगा तो यहाँ पे सॉल्ट इतना ज़्यादा है कि इसको पानी, इसको डिसॉल्व करने के लिए ज़्यादा चाहिए. तो पानी क्या करेगा, पैसिवली अंदर की तरफ मूव कर जाएगा ल्यूमेन में. ठीक है, अब जब पानी मूव किया तो साथ साथ शुगर, अमीनो एसिड्स ये भी पैसिवली ट्यूब्यूल्स के अंदर चले जाएंगे. ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या हो गया, हीमोलियम फिल्टर हो गया. शुगर्स, अमीनो एसिड कहाँ चले गए, ट्यूब्यूल के अंदर चले गए. ट्यूब्यूल के अंदर ही तो क्या बन रहा है, हमारा यूरिन बन रहा है. अब एमिनो एसिड, मतलब मैक्सिमम ऑफ द एमिनो एसिड चले गए. ठीक है, अब एमिनो एसिड टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ट्यूब्यूल के अंदर. मतलब जो बच गया एमिनो एसिड उसको भी, जो भी टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सबको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा ट्यूब्यूल. बात समझना है यहाँ पे कि मैक्सिमम शुगर्स, एमिनो एसिड सारे इसके अंदर जा चुके हैं, लेकिन जो कुछ भी बच भी रहे हैं उनको भी यहाँ मूव करा दिया गया. यानी इसके अंदर का कंसंट्रेशन हमने क्या कर दिया है, पूरा बढ़ा दिया है. ठीक है, अंदर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, प्रॉपर पूरा बढ़ गया. ठीक, अब थर्ड स्टेप पे आते हैं. थर्ड स्टेप में क्या होगा, शुगर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा हीमोलिम्फ में. रीअब्जॉर्प्शन कहने का मतलब क्या है कि शुगर जो अभी तक इस ट्यूब के अंदर गया था सारा कुछ, वापस से कहाँ आ जाएगा, यहाँ. ये प्रोसेस क्यों हुआ, पहले अंदर गया फिर बाहर आया, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाने के लिए, ताकि जो हमारा मेन टॉक्सिक कंपाउंड था वो कहाँ चला जाए, अंदर चला जाए वाटर के साथ. क्योंकि उसको पहले अंदर भेजें तभी हमारे साथ जितना शुगर, एमिनो एसिड सारा कुछ क्या कहाँ गया, वेस्ट अंदर गया. अब जो पहुँच गया तो वापस से शुगर कहाँ आ जाता है, यहाँ पे हीमोलिम्फ में वापस आ जाएगा. हीमोलिम्फ ये वाला रीजन है और ये हमारा ल्यूमन रीजन है. ठीक है, मेलपिजन ट्यूब्यूल का ल्यूमन रीजन है. ये थर्ड स्टेप हो गया. अब जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या होगा, इसका सिक्रीशन जो है कंटिन्यूस होता जाएगा. जो यूरिन का सिक्रीशन हो रहा है मेलपिजन ट्यूब्यूल्स में, इसके अंदर में यूरिन का जो सिक्रीशन हुआ है प्राइमरी यूरिन का, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये जगह भरेगा और ये कहाँ चला जाएगा, गट के पास चला जाएगा. ठीक है, मतलब ये कहाँ चला गया, गट में चला गया. अब गट से जाएगा वो रेक्टम वाले रीजन में जो मेन पार्टिसिपेट करता है. अब रेक्टम क्या करेगा, वहाँ पे उस प्राइमरी यूरिन को मेन यूरिन में क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा. ठीक है, मेन यूरिन में मॉडिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जो सॉल्यूट है और वाटर है उसको क्या करेगा, रिमूव, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट और वाटर है उसका रिमूव कर देगा होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, और जो मेन यूरिन है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा. तो ये पूरा इसका फिजियोलॉजी है. तीन स्टेप यहाँ था, दो स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, अब इसको एक बार डायग्राम से आप देख लो. ठीक है, मैंने बताया था कि ये जो है ना, यही है उसका बाउंड्री लाइन. बाउंड्री लाइन मतलब सिंगल सेल लेयर जो मैंने बताया था मेलपिजन ट्यूब्यूल का. ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोटेशियम, क्लोरीन जो मेन मेन मैंने आयंस बताया था उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे एच आयन जो दिखाया हुआ है वो अंदर भी जा रहा है बाहर भी आ रहा है. ये पीएच मेंटेन करने के लिए चीज़, ये प्रोसेस होता है. पहले देखो बाहर से हीमोलिम्फ से इन आयंस को अंदर किया गया है. ठीक है, और ये आयंस फिर यहाँ से अंदर ल्यूमेन में चले गए. ठीक है, तो ये प्रोसेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इस चीज़ को समझ सकते हो. ठीक है, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ द मेलपिजन ट्यूब्यूल. तो बहुत इजी है, मेन फंक्शन मेलपिजन ट्यूब्यूल का क्या है, रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट. मैंने बता दिया है, अच्छे से समझा भी दिया है. इसके अलावा डिफरेंट इंसेक्ट्स में इसका डिफरेंट फंक्शन भी है, जैसे स्पिटल सिक्रीशन. ठीक है, स्पिटल क्या होता है, एक्जुडेट होता है एलिमेंट्री कैनाल का. एक्जुडेट मतलब एक्स्ट्रा सिक्रीशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, सेकंड फंक्शन और क्या है, लाइट प्रोडक्शन. बायलोटोफिला में लाइट प्रोडक्शन का भी फंक्शन है इसका. थर्ड है सिल्क प्रोडक्शन. न्यूरोप्टेरा लार्वा जो होता है उसमें सिल्क प्रोडक्शन में भी मेलपिजन ट्यूब्यूल्स हेल्प करता है.
और इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, यूरिक एसिड जो है वो डिफरेंट इंसेक्ट में ये स्टोर भी किया जाता है डिफरेंट जगह पे, फैट बॉडी सेल्स में, जैसे अमेरिकन कॉकरोच में ये होता है, फैट बॉडी सेल्स में यूरिक एसिड स्टोर किया जाता है, बॉडी वॉल में रेड कॉटन बग के बॉडी वॉल में, इसीलिए रेड कॉटन बग रेड दिखते हैं क्योंकि उनमें यूरिक एसिड का स्टोरेज रहता है, ठीक है। फिर मेल एसेसरी ग्लैंड्स में किया जाता है, विंग्स के स्केल में भी किया जाता है, जैसे पायरेट बटरफ्लाई है उनके विंग्स में हम देखेंगे। तो ये सारे फंक्शंस हो गए मैलपिजन ट्यूब्यूल्स के। तो मैंने सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया है इस लेक्चर में, आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ जाना, पढ़ना। अगर आपको कहीं पे कुछ फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में फिर से इसको पूछ लो, और आप, मैं तो सजेस्ट करूँगा इसके लिए आप एक बुक को रेफर करो और वहाँ पे बुक में भी इसको अच्छे से पढ़ना, और अगर किसी को कुछ भी फिर भी दिक्कत आता है आप कमेंट सेक्शन में फिर से मुझे पूछो, मैं वहाँ पे भी आपको कंप्लीटली आंसर करूँगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करो, सब्सक्राइब टू दी गोफर एग्रीकल्चर फॉर मोर वीडियोस। अगर किसी को इस लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गोफर एग्रीकल्चर जाके इसको डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।